मध्ये स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केया बांठिया माध्यमिक विद्यालय व एनएन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार छात्रो, मैं श्रीमती पवार ललिता मदन, सहायक शिक्षिका केया बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखने वाले है कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 9, पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। पाठ के लेखक है जगदीप चंद्र माथुर। छात्रों, इस एकांकिका की पिछली तासिका में हमने देखा था कि जो लड़के वाले उमा को देखने आए थे वो किस तरह उमा के गुणों का नापतोल कर रहे थे, जैसे उमा कम पढ़ी लिखी हो, उसे पेंटिंग आती हो, उसे गाना गाना आता हो, उसे सिलाई आती हो, इस तरह। देखो छात्रों, ऐसे रूढ़िवादी विचार वाले लोगों के खिलाफ उमा आवाज उठाती है या चुप रहती है, ये हम आज देखेंगे। तो चलो छात्रों, इस एकांकिका का शेष भाग हम देखेंगे। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया न। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में। बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा, सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। जब उमा की आंखों में चश्मा देखकर बाप बेटे दोनों चौंक जाते हैं, तब उमा के पिता कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि उमा की आंखें कुछ दिनों से दुख रही है, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद प्रसन्न होकर कोमल स्वर में उमा को बैठने के लिए कहते हैं। उमा की चाल को देखकर कहते हैं कि चाल में कोई खराबी नहीं है, चेहरे पर छवि है। छात्रों, छवि का मतलब है तेज या निखार। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि गाना बजाना सीखा है? तब उमा के पिता राम स्वरूप कहते हैं, जी हाँ, उमा सितार और बाजा भी बजाती है। उमा के पिता उमा से एकाध गीत सितार के साथ गाने के लिए कहते हैं। उमा गाना शुरू करती है, तभी उमा की आंखें शंकर की झपती सी आंखों से मिल जाती है। छात्रों, यहाँ झपती सी शब्द का मतलब है शर्माती। उमा गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तब उमा के पिता उमा को गाना पूरा करने के लिए कहते हैं, गाने के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। देखो छात्रों, गोपाल प्रसाद लड़की में सब गुण देखना चाहता है। अपने लड़के में कितने गुण है इसका तो तोलमाप उन्होंने नहीं किया है। यहाँ लड़की के पसंद नापसंद का कोई विचार ही नहीं है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए।
गोपाल प्रसाद आदिर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। जब उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है तब गोपाल प्रसाद उमा को रुकने के लिए कहते हैं। वह उमा से पूछते हैं, तुम्हें पेंटिंग आती है, सिलाई वगैरह आती है? तब उमा के पिता कहते हैं कि घर के सारे लोगों के कपड़े उमा ही सिलाती है, मेरी कमीजें भी उमा ही सिलाती है। अब गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि उमा ने कुछ इनाम भी जीते थे क्या, लेकिन उमा कुछ नहीं कहती, उमा चुप है। उमा के पिता इशारे के लिए खासते हैं कि उमा कुछ बोले, लेकिन उमा चुप है गर्दन झुकाकर। गोपाल प्रसाद आदिर हो उठते हैं। छात्रों, आदिर का मतलब है उतावला, व्याकुल, उत्सुक होना। उमा कब बोलती है ये जानने के लिए गोपाल प्रसाद व्याकुल है, उत्सुक है, क्योंकि गोपाल प्रसाद उमा की आवाज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि लड़की के आवाज़ में कोई खराबी तो नहीं है, ये जानना चाहते हैं गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप, जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि उमा ने कुछ इनाम जीते हैं या नहीं, लेकिन उमा इसका जवाब नहीं देती, उमा चुप रहती है। उमा के पिता उमा से कहते हैं कि उमा जवाब दे। तब उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में कहती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदने वाले व्यक्ति यानी ग्राहक को दिखाता है, उसे पसंद आई तो खरीदता है, नहीं तो वह चला जाता है। उमा के कहने का मतलब यह है कि उमा कोई कुर्सी या मेज नहीं है, जिसे पसंद आई तो खरीदी जाए, नहीं तो चले जाए। वह एक जीती जागती इंसान है, उसके अपनी पसंद है, अपना मन है, भावना है, उसकी कदर होनी चाहिए। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। शंकर, बाबूजी चलिए। उमा के बोलने पर उमा के पिता उमा से चुप रहने को कहते हैं, लेकिन उमा कहती है कि मुझे बोलने दीजिए बाबूजी। तब गोपाल प्रसाद ताव में आकर बोलते हैं, छात्रों ताव में आना मुहावरा है, इसका अर्थ है जोश में आना, अहंकार मिश्रित क्रोध होना। वह कहते हैं कि बाबूजी रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। छात्रों इज्जत उतारना मुहावरा है, इसका अर्थ है बेइज्जती करना। तब उमा तेज आवाज़ में यानी कड़क आवाज़ में कहती है, हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। यानी उमा में कौन कौन से गुण हैं, इन गुणों की परख शंकर के पिताजी कर रहे थे। इसका गुस्सा उमा को आता है। देखो छात्रों, शादी करते समय लड़की में कौन से गुण होते हैं, ये सारे गुण जांचे जाते हैं, और इसीलिए उमा को इसी बात का गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लड़की के गुण तो देखे जाते हैं, लेकिन अपने लड़के में गुण है या नहीं इसे नहीं देखा
जाता, ये बात गलत है, यही उमा समझाना चाहती है। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पढ़कर अपना मुंह छुपाकर भागे थे। रामस्वरूप उमा उमा। गोपाल प्रसाद यानि शंकर के पिताजी उमा से कहते हैं कि तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तब उमा के पिताजी चुप रहते हैं, क्योंकि उमा के पिताजी ने उमा की कॉलेज की पढ़ाई की बात गोपाल प्रसाद को नहीं बताई थी। उमा बीए तक पढ़ी लिखी है, ये बात उन्होंने छुपाई थी। उमा कहती है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। उमा गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर की सच्चाई जानती थी। शंकर एक चरित्रहीन युवक है, वह लड़कियों के हॉस्टल के पास ताकझाक करते हुए पकड़ा गया था और उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाला था। शंकर के जीवन का कोई आदर्श नहीं था, ऐसे विचारहीन चरित्रहीन व्यक्ति का उमा के जीवन में कोई स्थान नहीं था। उमा कोई भेड़ बकरी या निर्जीव वस्तु नहीं है कि लोग देखभाल कर अपनी इच्छानुसार खरीद सके। विवाह में उसे भी पसंद नापसंद का अधिकार मिलना चाहिए, उमा को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे के ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। रीढ़ की हड्डी यानि बैकबोन। बैकबोन, बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में कहते हैं कि बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। छात्रों, दगा का मतलब है धोखा, फरेब, छल। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। गोपाल प्रसाद और शंकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। तब उमा कहती है, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। शंकर की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं, वह झुककर चलता है, वह चरित्रहीन भी है। फिर शंकर के पिताजी को बहु सर्वगुण संपन्न चाहिए। उमा का कहना है कि पहले अपने बेटे के गुण को परखो, नारी को भी सम्मान होता है, उसे सम्मान देना सीखो। देखो छात्रों, वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है, समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियाँ पूर्णतया दूर नहीं हो सकी है। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी नारी हो, सक्षम हो, पुरुष उसे हीन समझता है। विवाह के समय नारी के गुण ओके जाते हैं, परिवार के आय को जांचा जाता है तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इसी प्रकार की समस्या को हमने इस एकांकिका में देखा। उमा की तरह हर एक स्त्री में आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए ताकि वो गलत रीति रिवाज के साथ लड़े और अपना सम्मान बनाए रखे। छात्रों, इस पाठ में आए हुए
शब्दार्थ और मुहावरे हम देखेंगे। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ है जिम्मे, इसका अर्थ है जिम्मेदारी। दूसरा शब्द है झेपती सी, इसका अर्थ है शर्माती सी। तीसरा शब्द है छवि, इसका अर्थ है तेज निखार। चौथा शब्द है अधीर, उसका अर्थ है उतावला व्याकुल उत्सुक। पांचवा शब्द है रूखा, इसका अर्थ है व्यवहार की कठोरता। छठा शब्द है नाप तोल, यानी नापने और तोलने की क्रिया। सातवां शब्द है दगा, इसका अर्थ है धोखा फरेब छल। छात्रों, अब हम देखेंगे इस एकांकिका में आए हुए मुहावरे। पहला मुहावरा है पसीना बहाना, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। दूसरा मुहावरा है इज्जत उतारना, इसका अर्थ है बेइज्जती करना। तीसरा मुहावरा है ताव में आना, इसका अर्थ है जोश में आना, अहंकार मिश्रित क्रोध होना। छात्रों, ये शब्दार्थ और मुहावरे आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। छात्रों, इस तरह हमने ये पाठ देखा। धन्यवाद छात्रों। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल। नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला विसरू नका।